हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए इस संसार को जगमगाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र को भरने के लिए, बट सिर्फ एक लड़की चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। वेलकम एंड जय हिंद टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स। आई नो दैट यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड। आई नो दैट यू आर बेस्ट कैंडिडेट, यू आर बेस्ट एस्पिरेंट दैट यू आर गोइंग टू राइट दिस नीट एग्जाम 2022। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि 2021 से जो एस्पिरेंट्स या उसके बाद से जिन एस्पिरेंट्स ने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया, मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है उनको। मैंने उनको देखा है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया है, कितना स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने रिटन एग्जाम की कितने पैटर्न चेंजेस हुए, गवर्नमेंट के कितने चेंजेस गवर्नमेंट ने दिए एग्जाम पैटर्न को चेंज करने के लिए, कितना स्ट्रगल, सब कुछ मैंने देखा है। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप सभी बेस्ट तरीके से प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्जाम में रॉक करने के लिए। उन सभी एमएनएस एस्पिरेंट्स को, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम में रहे हों, चाहे वो ऑफलाइन मीडियम से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का पार्ट रहे हों, या चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल से ही उन्होंने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, मैराथन क्लासेस से जो स्ट्रेटजी की क्लासेस जाती हैं, या डिफरेंट मेंटर्स की जो क्लासेस आपको प्रोवाइड हुई हैं उसके थ्रू, आप सभी ने मुझे यकीन है कि पूरी जी जान लगा के बेहतर तैयारी करी है। आपको पता है एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है, आपको पता है कि आप सभी एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ इस बार प्रूफ करेंगे कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। और जब एमएनएस का 2022 की मेरिट डिक्लेयर होगी तो उनमें से जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, लास्ट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो 31 प्लस कैंडिडेट्स जिन्होंने फाइनल मेरिट में अपना नाम बनाया था, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और मुझे ये पता भी है, विश्वास है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट इस बार फिर से एग्ज़ाम में रॉक करने वाले हैं। और जैसे ही ये रिटन एग्जाम ख़त्म होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज की एग्ज़ाम है, जिनमें से CBT एग्ज़ाम हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो गया, GK इंग्लिश की तैयारी के साथ साथ वो पैनल इंटरव्यू की तैयारी में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभी MNS एस्पिरेंट्स जिनका ख्वाब है वो नर्स बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, जिनका ख्वाब है कि वो आर्म फोर्सेस की वो खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं जिसमें लेफ्टिनेंट के सितारे हों, और उनके कंधों में वो जगमगाते हुए सितारे हों जिससे वो जब घर में जाएं तो घर में भी एक मोटिवेशन हो, वो लीड करें एग्जांपल से, वो अपनी यंग जनरेशन को इंस्पायर करें, अपने छोटे भाइयों और बहनों को बताएं कि मैं भी ऑफिसर पद पे हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो ये सुनहरा मौका, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है। आप सभी ने अपनी पूरी जो कर्म करने वाली जो प्रोसेस होता है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप सभी ने अपना कर्म कर दिया है, आप सभी ने ऑलरेडी अपनी जितनी मेहनत थी हम सभी ने कर दिया है। तो नाउ इट इज़ टाइम टू फील सेल्फ कंटेंटेड। खुद पे यकीन रखिए, खुद पे भरोसा करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन टेक्निक से बार बार ये कहिए कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, कि मुझसे बेहतर कोई एग्ज़ाम नहीं लिखेगा। और आप सभी को पता है, आप सभी ने इतनी तैयारी कर रखी है कि डेफिनेटली आपको ग्रेड कितना लाना है, कितने स्कोर पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, और उन 220 सीट्स के लिए फाइट करना है जिसके लिए बॉयज़ तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि MNS एग्ज़ाम सिर्फ गर्ल्स के लिए कराया जाता है, और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स ही MNS एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। यही खास बात है इस एग्ज़ाम की, इसी वजह से नीट एग्ज़ाम से ये एग्ज़ाम अलग हो जाता है, क्योंकि सिर्फ नीट एग्जाम इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर MNS 2022 रिजल्ट। और इस एग्जाम के जितने भी दो या तीन फेज हैं, मतलब रिटन एग्जाम की मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम में सब फेज हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, और मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद जब आप MNS एग्जाम के लिए अपने कॉलेज को क्वालिफाई करके कॉलेज को ज्वाइन करेंगे, तो वैसा ही ऑलरेडी हर प्रत्येक वर्ष में हमारे एस्पिरेंट्स करके उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के मेंटोर्स के साथ अगर वो अपनी पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें हम, बट MNS एग्ज़ाम के लिए गए तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया भर में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देके और एक एक नहीं टॉप रैंकर्स के साथ पूरे मेरिट में सिर्फ
सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट का ही दबदबा होता है। तो लास्ट मिनट टिप्स में मैं आप सभी को यही दूंगा कि अभी जब आप एग्जाम से पहले सोने के लिए जाएंगे तो अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन टेक्निक से, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन से भर देंगे, अपने आप से खुद बात करेंगे और अपने आप से बोलेंगे कि मैंने जितनी मेहनत करी मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जितनी तैयारी करी, जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी एनर्जी थी, उसको मैंने सब लगा दी एग्ज़ाम में और ऊपर वाला सब देखता है। डेफिनेटली आप देखेंगे, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। और अपनी एग्ज़ाम से पहले अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग को लेके जाइए, एग्ज़ाम से पहले अपने मेंटोर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ वैसे ही है ऑलरेडी, टीम सेंचुरियन की और सेंचुरियन के सभी मेंटोर्स की बेस्ट विशेस, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। और आप एग्ज़ाम नहीं लिख रहे होंगे, आपके साथ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के सभी मेंटोर्स की दुआएं भी आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। और मुझे पता है कि आपने अच्छा कर्म किया है, मुझे पता है कि आपने अच्छी मेहनत करी है, तो श्योरली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्ज़ाम। आप सभी को ये भी पता ही है कि MNS एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं। नीट एग्ज़ाम में डिफरेंट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट आपका कॉम्पिटिशन उन MNS एस्पिरेंट से होगा जो 220 सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को ख़त्म होने के बाद आप CBT, जिसमें से GK और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपकी मेरिट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वो डिसाइड करेंगे कि आपका मेरिट ऑर्डर क्या है, वो डिसाइड करेंगे कि आप MNS को फाइनली कैसे ग्रैप करते हैं एक अपनी सीट। और जैसे ही आपका CBT टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो टेस्ट आएगा जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, जिसमें आपका पैनल इंटरव्यू है, और उन सभी टेस्ट के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आप सभी को पता है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेस जहां आप अपने आगे एग्जाम फेज की तैयारी करेंगे। और आप सभी ने पैनल इंटरव्यूज़ भी यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, आप सभी ने सक्सेस स्टोरीज़ भी देखी होगी जो एस्पिरेंट्स MNS 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज़रूर हमारे जितने भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको रेफ़र करें। और आप सभी ने वो क्लास देखा होगा जो हमारे मेंटोर्स लाइव सेशंस में देते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप अपने CBT एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, इस एग्ज़ाम के बाद अपने आप चार्ट आउट करें, अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करें, और CBT के साथ साथ अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और पैनल इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइल पर भी काम करना शुरू करें। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल MNS एस्पिरेंट्स जो 2022 के लिए नीट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। यकीनन ये आपके लिए MNS एग्ज़ाम है, ये आपके लिए नीट एग्ज़ाम बाद में है, क्योंकि सिर्फ इस एग्ज़ाम के से आपका काम चलने वाला नहीं है। इस एग्ज़ाम में तो आपको रॉक करना ही है, इस एग्ज़ाम के बाद आपको CBT और पैनल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में भी अपना दबदबा बना के ये पूरे देश को बता देना है कि वी आर द बेस्ट, एंड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने हर साल ये प्रूफ किया है। MNS 2023 के एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, काउंसल करना चाहता हूँ कि आपकी होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी होनी चाहिए। यू शुड नॉट ओनली प्लान फॉर योर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, बिकॉज इन सब्जेक्ट से आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच में आपको प्लान करनी चाहिए अपनी तैयारी, जिसमें इंटरव्यू, जिसमें नॉट ओनली योर एकेडमिक प्रोफाइल बट आपका एकेडमिक के साथ पर्सनैलिटी प्रोफाइल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। क्योंकि जब आर्म फोर्सेस के ऑफिसर कार्डर की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। अनलाइक JEE एग्ज़ाम, अनलाइक ओनली नीट एग्ज़ाम से आपको नीट क्वालिफाई करके कॉलेजेस नहीं ज्वाइन करने हैं। आपको वो यूनिफॉर्म का सपना है, आपका जो गोल है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपका गोल 220 सीट्स के लिए है, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ एकेडमिक की तैयारी नहीं करके हमें कंबाइन तरीके से सब में इक्वल फोकस करना पड़ेगा। हमें इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, हमें GK भी पढ़ना पड़ेगा, हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए साइकोलॉजी की भी तैयारी करनी पड़ेगी, और हमें पैनल इंटरव्यू भी करना पड़ेगा। ये सब बहुत आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। पहली बात ये है कि मेल एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम की दौड़ से बाहर हैं, तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है एज अ फीमेल एस्पिरेंट, क्योंकि सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट ही MNS एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो पहला एक्स्ट्रा एज आपको यहाँ मिल गया। दूसरा एक्स्ट्रा एज आपको मिलता है, MNS एस्पिरेंट्स जब नीट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो जितने भी
कैंडिडेट्स नीट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो सभी एमएनएस नहीं जाएंगे। आपको पता है कुछ कैंडिडेट्स अपने एमबीबीएस करने के लिए कॉलेजेस में ज्वाइन कर लेंगे, कुछ बीएचएमएस और डिफरेंट कोर्सेज के लिए, बीडीएस कोर्सेज के लिए चले जाएंगे, और जो एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं उनकी रेस कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे नीट एग्जाम आपके लिए एमएनएस एग्जाम का एक पार्ट है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो मैं समझता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच में आपकी तैयारी बहुत ही जरूरी है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं तो उसके कितने पेपर्स होते हैं, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, उसके लिए अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से जरूर डिस्कस करिए, और उसके बाद एक बेहतर रणनीति तय करिए और एक बेहतर इंस्टीट्यूट सेट करिए जो आपको लास्ट सफर तक आपके साथ हो, जो सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी ना कराए, जो लास्ट इंटरव्यू तक भी आपको साथ लेके चले। और ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने हर साल के रिजल्ट से प्रूफ किया है, जिन एग्जाम्स में इंटरव्यू रहा उतना ही बेहतर हमारा रिजल्ट रहा, चाहे वो एमएनएस एग्जाम हो या एनडीए एग्जाम हो, हमारे रिजल्ट्स किसी से छिपे नहीं है। और हर वीक में आप देखते होंगे कि कोई ना कोई ऑफिसर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने बच्चे को ऑफिसर काडर में सिलेक्शन देके प्रोड्यूस करता है, इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व करता हुआ। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेस टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स और वो सभी देश भर से बच्चे जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सेंचुरियन टीम सेंचुरियन की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। आप एग्जाम अच्छा करें और अपने सपने को जल्द से जल्द पूरा करें, जो आपने सपना अपने लाइफ में, अपने करियर में सेट किया है उसको 2022 में ही पूरा कर लें। विद बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।